हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आर्ट्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो डॉलर इंडेक्स 103.14 के पास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, डॉलर इंडेक्स में साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों 103 का लेवल डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 103.30 डॉलर इंडेक्स के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंडेक्स 103 से 103.30 के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 103.30 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है, हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में डाउनफॉल दिख सकता है। और दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 103 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है डॉलर इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल दिख सकता है और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख सकता है। और उसी हिसाब से दोस्तों, डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग एमसीएक्स सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद एमसीएक्स गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 79,600 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है और उसी हिसाब से दोस्तों 79,750 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, 79,750 के ऊपर 80,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और दोस्तों, एमसीएक्स सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 79,300 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, 79,300 के नीचे 79,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 79,750 से 79,800 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 79,800 के ऊपर 80,000 से 80,500 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 80,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 81,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 79,300 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, 79,300 के नीचे 79,000 बनने वाला है फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 79,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 78,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों एमसीएक्स सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग एमसीएक्स गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। एमसीएक्स गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 68,900 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं, प्राइस में रेंज बाउंड मूवमेंट दिख रहा है।
दोस्तों 68,800 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। दोस्तों 68,800 के नीचे 68,550 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 69,000 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों 69,000 के ऊपर 69,200 गोल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 69,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 69,000 के ऊपर 69,200 से 69,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 69,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 70,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 68,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर के चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लोअर लेवल पे 68,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 68,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 67,500 के लेवल के लिए आने वाले समय में ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।